मार डाले को। अरे सुनो। जी सर। मिताली मैडम को बुलाओ। जी सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया? मिताली जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे चैनल की टीआरपी कैसी चल रही है? सर ठीक ठाक है, पर कुछ खास नहीं। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? अपना मेन प्रोग्राम मार साले को में कुछ ऐसा टॉपिक लेके आओ जो एकदम अलग हो। सर जैसे? जैसे क्या? एक मीटिंग बुलाओ और टॉपिक डिसाइड करो। सर मैं कुछ रिक्वेस्ट करूं? हाँ बोलो। सर क्या हम इस बात पर डिबेट कर सकते हैं कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है या नहीं? है? क्या कह रही हो? क्या टॉपिक है? हॉट सब्जेक्ट, अनएंडिंग हाई वोल्टेज डिस्कशन होगा। ग्रेट, गो अहेड। थैंक यू सर। अरे सर, अरे हेलो मैम। अरे सर, अरे बुला ना जी। अरे मैम नमस्कार, आइए आइए मैम। अरे टेढ़ी कखंडी जी। लाइट कैमरा साउंड रेडी है? यस मैडम। नमस्कार, मैं मिताली बारकर आप सबका स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम मार साले को में। आज हम समाज के बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर आए हैं। क्या कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है? ये पुराने समय से कहावत चली आई है कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, मगर इसके पीछे किस सच्चाई क्या है और ऐसा क्या है जो विज्ञान युग में असंभव है? इस मुहावरे का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? क्या कुत्ते अपनी इस कमीय विशेषता से परिचित हैं? तो पेश है आज की खास पेशकश, क्या कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, आपके पसंदीदा प्रोग्राम मार साले को में। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय कराती हूँ। ये हैं जानवरों के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ जी, जो कि कुत्ता प्रेमी भी हैं। ये हैं कुत्तों के मशहूर व्यापारी सेठ भोबो कुमार, और ये हैं वेटरनरी डॉक्टर टैलेंडर सिंह, जो कि पूंछ सर्जरी के विशेषज्ञ हैं, और ये हैं कुत्तों के अधिकार संगठन की प्रमुख टेढ़ी कटखनी जी। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे शुरू करते हैं जी। क्या विज्ञान के युग में ये कहावत प्रासंगिक है या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है? देखिए मिताली जी, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कुत्ते की पूंछ की संरचना ऐसी क्यों है, उसके बाद मैं चिकित्सीय उपाय देने की कोशिश करूंगा। एक मिनट, इससे पहले मेरे आपसे एक निवेदन है। भोलानाथ जी, हम आपको भी समय देंगे, पहले डॉक्टर साहब को अपनी बात कहने दीजिए। भाई मेरा एक ही निवेदन है कि आप कुत्ते को कुत्ता मत कहिए। क्या कहें? अरे तो डॉगी कह लो, कितना प्यारा नाम है। अरे ये हिंदी चैनल है। अरे कुकुर कहिए ना, हम लोग प्यार से कुकुर ही कहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आप सब उसे आदर से कुकुर ही बुलाइए। हाँ, ठीक है। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, पूंछ के स्किन की जो ऊपरी सेल्स की ग्रोथ होती है वो कम होती है और नीचे की ग्रोथ ज्यादा होती है, इसलिए वो टेढ़ी होती है। उसको कई बार नली में डाल के रखा गया है तथा समय समय से पानी भी दिया गया है ताकि वो सूख के टेढ़ी ना हो जाए। ये क्या कहते हैं जी, ये तो बहुत ही अमानवीय है। आप कुकुर का पूंछ पाइपोर में डालिएगा। रुकिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। अरे कहाँ मौका मिलेगा, तब तक पूंछ पाइपोर में रहेगा क्या? नहीं, अभी हम उसका हार्मोनल इलाज ढूंढ रहे हैं, पाइप में वो सीधी नहीं हुई है, सर्जरी की कोशिश जारी है। कैसी भारी कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुत्ता हमारा कितना प्यारा जीव है, है? अब हमारे सामने जो पूंछ हिलाता है तो कितना सुंदर लगता है। आप अगर कुत्ते की पूंछ को सीधी कर देंगे तो बिल्कुल गधा लगने लगेगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आपको हमारे इमोशंस और उस कुकर की कोई परवाह नहीं है। अरे क्या बेकार की बहस लगा रखी है, मैं तो कहता हूँ कुत्ते की सॉरी कुकुर की पूंछ ही कटवा दीजिए, उसका स्टेटस बढ़ जाएगा। अरे मेरे जितने अमीर क्लाइंट हैं वो सब कुत्ता खरीद के उसकी पूंछ कटवा देते हैं और देखने से ही पता चल जाता है कि क्या स्टेटस वाला कुत्ता है। बेकार टेढ़ी सीधी का झंझट डाल रखा है आप लोगों ने। खबरदार, जो आप कुत्ते के प्रति हिंसा का बात किए ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो क्या कर लेगी आप? हम कुकुर के प्रति हिंसा तनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सड़कों पर उतर आएंगे, आंदोलन करेंगे। करिए आंदोलन, कौन मना करता है? अरे आप लोग खुद मुंह की झुर्रियां हटाने के लिए और होंठ ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, तब कुछ नहीं होता, और कुत्ते की सर्जरी करने में आप लोगों को तकलीफ है। करिए आंदोलन,
बिल्कुल करेंगे। हर जोर जुलुम की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। आप लोग इन सब क्या किए चले जा रहे हैं? अरे आपको जीव से प्रेम करना नहीं आता क्या? अरे आपको न तो हमारे इमोशन की परवाह है, न हो तो उसके ही इमोशन की। शांत रहिए, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। क्या आप अपने लिए एक सच्चे और वफादार जीवन साथी की तलाश में हैं? हम आपकी मदद करेंगे, देसी और विदेशी, ही और शी। डॉबरमैन, जर्मन शेपर्ड, लैब्राडोर, पग, कुकुर का उत्तम खजाना। हमारी वेबसाइट पर जाएं thedogbite.com और स्पेशल ऑफर का लाभ उठाएं। एक कुकुर खरीदने पर कुकुर के गले का सुंदर पट्टा बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, फोन लगाएं 420 420 420। ऑफर स्टॉक रहने तक शर्तें लागू। तो अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, नहीं, हम चर्चा को तब तक आगे नहीं बढ़ने देंगे जब तक ये डॉक्टर और ये कुत्ते के व्यापारी माफी नहीं मांगेंगे। तब तक हम चर्चा को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम आंदोलन करेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो आप आखिरी सांस ले लीजिए। कुकुर का इस देश की अर्थव्यवस्था में इतना योगदान है, देश विदेश से आय आती है। आप लोग आंदोलन करेंगे, आखिरी सांस लेंगे। का कहे, आखिरी सांस लेंगे? रुक जा, ठहर मत, कर अभी बता। अरे रुकिए, क्यों बोल रहे हैं? शांत रहिए, शांत हो जाइए। आप लोग, वफादारी की एक बेहतरीन मिसाल है कुकुर, जो अपने मालिक पर बिना शर्त जान तक दे सकता। उसकी वफादारी पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अपने मालिक को देखकर उसके हाव भाव, सुंदर पूंछ का हिलाना, अरे अपने मालिक के पैरों पर लौट जाना, उसकी वफादारी का ही सबूत है। और आप लोग, कोई उसकी पूंछ सीधी कर रहा है, कोई उसकी पूंछ कटवा रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, अरे क्या है ये सब? कैमरे के सामने बैठने को मिला नहीं कि लगे उल्टा सीधा बोल ले। पहले खुद देखिए कि इंसान इंसान के प्रति कितना वफादार है, देश धर्म के प्रति, अनुशासन के प्रति कितना सजग है। पहले हमें खुद सीधा होना पड़ेगा। पहले इस पर विचार कीजिए, पूछ पूछ लगा रखा है, और कुछ नहीं तो कम से कम इस जीव से वफादारी का ही सबक ले लिया होता। अरे बैठिए, बड़े देश में तो बैठना भूल गए बाबू को बोला ना। अरे सही तो कह रहे, भूला ना जी, गलत क्या बोल रहे हैं? अरे आप लोग शांत हो जाइए, चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। आप देख रहे हैं ना जाने कौन टीवी प्रोग्राम मार्स काले को में। हम यूं ही बने रहेंगे आपके साथ और हम आपका खून यूं ही पीते रहेंगे। धन्यवाद। क्या हुआ, कैसा रहा? सर सुपर, आज का प्रोग्राम तो बहुत सुपर हुआ सर। अरे सर क्या कहूँ, सब आपस में लड़ने लगे, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। अरे वो छोड़ो, टीआरपी कैसी जा रही है? सुपर सर, सेंसेशनल, माइंड ब्लोइंग, दैट्स इट। और क्या चाहिए, टीआरपी बढ़ाओ, अगला एपिसोड तैयार करो और इससे भी घासू। कंग्रेचुलेशन सर, मुझे अपनी बॉयफ्रेंड से मिलने आना। अरे यार ये खास देगा, इसकी पूछ भी सीधी करनी पड़ेगी। आ रहे हैं यार, ये जो मेरा बॉस है ना, कुत्ते की पूछ है, इसको भी सीधा करना पड़ेगा। आइए जी, आपका बॉस बहुत खतरनाक है, आपने मेरी वो आखिरी सांस वाली बात का बुरा तो नहीं माना? अरे नहीं भाई साहब, इतना तो चलता रहता है डिबेट में। भाई हमें पैसे मिल रहे बस, हमें भी कुत्ते बेचने। अरे भाई अब चलो अगली डिबेट में चलते हैं। अरे वो तो मिताली के साथ सेल्फी खींच रहा है।